आगे बढ़ेंगे। भारत में इस वक्त स्वास्थ्य सेवा पर कोरोना वायरस के कारण अतिरिक्त भार है। डॉक्टर्स भी ऐसे समय में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कम गंभीर और क्रोनिक बीमारियों के लिए ऑनलाइन सलाह दे रहे हैं। इसी कड़ी में मानव कल्याण समिति की तरफ से कोविड 2 पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश व विदेश के डॉक्टर्स के पैनल से जुड़कर लोगों को अहम जानकारी दी गई, जिसमें कई विशेषज्ञों ने अहम जानकारी दी, जिसमें फाउंडर डीन ऑफ राम मनोहर लोहिया डॉक्टर राजीव सूद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी विभाग के डायरेक्टर MSMCH डॉक्टर रविंद्र दीवान, न्यूरोलॉजिस्ट एंड मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र दमीजिया के साथ साथ MD मैक USA फिजिशियन एंड हार्ट स्पेशलिस्ट रतन हॉस्पिटल जालंधर के डॉक्टर बलराज गुप्ता, MBBS MD DNB डिप्टी कमिश्नर NUH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर सुशील विमल, सीनियर कंसल्टेंट NSHUK के डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, IQ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर CO डॉक्टर परमहंस मिश्रा, MCH एंड DNB इन प्लास्टिक सर्जरी सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर हरीश शर्मा, रिटायर्ड CMO प्रयागराज के डॉक्टर प्रदीप सिन्हा सहित डॉक्टर्स की टीम ने एक साथ आकर समाज में जागरूकता अभियान चलाया। वेबिनार को सुनने के लिए भारत के अलावा फिजी, पेरू तथा अन्य देशों से लोग भी जुड़े। आपको बता दें कि इसी तरह समय समय पर मानव कल्याण समिति की तरफ से समाज को जागरूक करने के लिए भिन्न भिन्न तरह का जागरूक अभियान आगे भी चलाती रहेगी, जिससे लोगों को अहम जानकारी मिल सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मानव कल्याण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ललिता चौधरी, उपाध्यक्ष भावना ठाकुर, सचिव ऋषभ अंबावत, कोषाध्यक्ष सतवीर सिंह, संयुक्त सचिव अमरीक सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने जुड़कर अपनी बात रखी और डॉक्टर्स के पैनल की सलाह की, काफी सराहना की।